हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंडियन आइडल का ऑनलाइन ऑडिशन होगा या फिर ऑफलाइन ऑडिशन होगा। तो इसके लिए इस वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोग को बताता रहूँ। और भी बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करूँगा। तो जैसे कि आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन है कि इंडियन आइडल का ऑडिशन जो है कब होगा, या फिर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, ज़रूर बताइए हम लोग को। तो देखिए, जैसे कि जी बांग्ला सारेगामापा में क्या हुआ था, वहाँ पे हुआ था कि आप लोग ऑनलाइन ऑडिशन दे रहे थे, ठीक है, ऑनलाइन ऑडिशन दे रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारा दिक्कत हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, इंडियन आइडल में भी देख सकते हैं और सारेगामापा पे, जहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन ऑडिशन जहाँ होता है, आप लोग को वीडियो का अपलोडिंग प्रॉब्लम या फिर रिकॉर्ड प्रॉब्लम, बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम का पहाड़ टूट पड़ता है, जिसके कारण आप लोग क्या होता है, ऑनलाइन ऑडिशन नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो जो ऑनलाइन ऑडिशन में सिलेक्ट होते हैं, वही जो है ग्रैंड ऑडिशन में जाते हैं ग्रैंड ऑडिशन देने के लिए। और ये मसला भी आज क्लियर करूंगा कि जो जो ऑनलाइन ऑडिशन में सिलेक्ट होते हैं, क्या वो लोग भी ग्रैंड ऑडिशन में दे सकते हैं, या फिर जो नहीं देते हैं वो भी दे सकते हैं, वो भी मैं क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं ऑनलाइन का मसला जो है क्लियर कर देता हूँ। तो ऑनलाइन का ऑडिशन रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो देखिए, अभी जैसे कि पेंडेमिक सिचुएशन अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, आप लोगों को सभी को पता है, सब कोई आना जाना इधर उधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं उधर आ जा रहे हैं। तो इस वजह से देखा जाए तो ऑनलाइन ऑडिशन धीरे धीरे ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते ये नहीं होता है, हो पाता है। और एक बात है कि ग्रैंड ऑडिशन होने से वो लोग का भी फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ में ऑडिशन निकाला जाता है, जिसके कारण वो लोग को भी एक पॉपुलरिटी बढ़ जाता है, सबका एक जो जो शो चलाने चाहते हैं वो उनका पॉपुलैरिटी बढ़ जाता है। तो इस वजह से देखा जाए तो ऑनलाइन ऑडिशन धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। और ऑनलाइन ऑडिशन एक तरफ से तो अच्छा ही है, क्योंकि आप लोग घर बैठे ऑडिशन देते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो जो नहीं दे पाते उसका क्या, वही चीज़ है ना, इसलिए इसका धीरे धीरे जो है वो ऑनलाइन ऑडिशन शायद हमको लग रहा है ख़त्म किया जाएगा और ग्रैंड ऑडिशन निकाला जाएगा। तो जैसे कि जी बांग्ला सारेगामापा ने आप लोगों को पता ही है कि ऑनलाइन ऑडिशन निकाला था, उसके बाद ऑफलाइन ऑडिशन तुरंत निकाल दिया, क्योंकि मेल बॉक्स फुल आ जा रहा है, इधर उधर प्रॉब्लम हो जा रहा है, टेक्निकल वीडियो किसी का सेंड नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो बंद कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफलाइन ऑडिशन के लिए, जैसे कि ऑफलाइन ऑडिशन आप लोगों को हुआ ही, जैसे कि सिलीगुड़ी में अभी 10 तारीख आज को होने वाला है, उसके बाद यहाँ पे आपका ये बहरमपुर में ऑडिशन हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग पूछे थे, उसके बाद आप लोग ने पूछा था कि हम लोग सिंपली माइक से जो है रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं कि नहीं, जैसे मेरे माइक आप लोगों को पूछे थे, हम इस माइक से रिकॉर्ड करके ऑडिशन भेज सकते हैं कि नहीं। तो ये मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगा। जैसे कि मैं जी बांग्ला मैं सारेगामापा में ऑडिशन दे चुका था, वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप, जैसे व्हाट्सएप वीडियो में भेजा था व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मुझे बोला गया कि आप ईयरफोन, जैसे कि दोस्तों मैं एक ईयरफोन से लेकर वीडियो बनाया था, और वो लोग देखे कि ईयरफोन आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई भी माइक आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओनली रॉ वॉइस में आपका जो है वीडियो वो हम लोग को सेंड करना है। तो ये मैं आप लोग बता दूं कि आप लोग किसी भी तरह का माइक यूज़ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी तरह का माइक यूज़ करते हैं, तो आपका वीडियो है जो है वो रिजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है, ऑडिशन वीडियो ऑडिशन आप लोग का रिजेक्ट हो सकता है। इस वजह से, क्योंकि अभी ऑनलाइन ऑडिशन अगर तो हाल ही में है ही, 2022 में 23 में तो है ही ना, इसलिए इस वजह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग किसी भी म्यूज़िक का बैकग्राउंड म्यूज़िक या फिर माइक का यूज़ मत कीजिए, इससे आपका ही बेहतर होगा, अच्छा होगा, क्योंकि आपका ऑडिशन जो है वो देखा जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग माइक यूज़ करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो आपका जो है म्यूज़िक वो नहीं सुनते हैं, वो हटा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं दोस्तों। तो इस वजह से आप लोग सिंपली जो वॉइस है उससे वीडियो बनाइए। और इसी तरह से जितना भी अपडेट्स आएगा आप लोग का, ऑनलाइन ऑडिशन का, ऑफलाइन ऑडिशन का, जितना भी अपडेट्स आएगा, जिस शो का भी आएगा, चाहे सुपरस्टार सिंगर हो चाहे कुछ भी हो, मैं आप लोग को तुरंत इस चैनल पे अपडेट देता हूँ, इसलिए इसमें अपडेट रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आप लोग को जल्दी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।